आखिर क्या हुआ है अमिताभ बच्चन की सेहत को, क्यों करवानी पड़ गई है उनको सर्जरी, क्या हुआ है अमिताभ बच्चन को ऐसा कि वो बात भी नहीं कर पाए, रीजन भी नहीं बता पाए अपने ऑडियंसेस को, अपने फैंस को, सबको शेयर करने वाले अमिताभ बच्चन ने क्यों कहा कांट टॉक राइट नाउ। चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। खबरें आ रही हैं कि अमिताभ बच्चन को किसी अर्जेंट एलमेंट के चलते उनको सर्जरी के लिए ले जाना पड़ा, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बताया तो कि वो जा रहे हैं फॉर अ सर्जरी बिकॉज इट हैज बीन एन अर्जेंट नीड, एक इमरजेंसी सर्जरी के लिए उनको जाना पड़ रहा है। लेकिन क्या है वो सर्जरी, किस चीज की वजह से हो रही है, ही डिड नॉट मेंशन द डिटेल्स एंड सेड कांट टॉक राइट नाउ। दरअसल अमिताभ बच्चन का पहली बार नहीं है ऐसा कि उन्हें सर्जरी के लिए जाना पड़ रहा है। और आपको अगर पता हो तो एक शूटिंग के दौरान, एक सेट के दौरान, एक सेट पर पुनीत ऐसर के साथ जब वो एक सीन कर रहे थे तो उनको बहुत तेज पेट में लग गई थी, जिसके बाद ही हैड टू अंडरगो अ सर्जरी बैक देन व्हेन ही वाज शूटिंग दैट फिल्म। और आज भी अगर उनको उस सर्जरी की वजह से बहुत सारा पेन हो जाता है तो उनको अर्जेंटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसे कई मौके आ चुके हैं। और एक बार फिर जब उनको सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा है तो ऑडियंसेस, फैंस, उनके फॉलोअर्स काफी वरीड हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, फॉर व्हाट सर्जरी हैज ही बीन टेकन, क्या चल रहा है, क्या फिर से वही इशू वापस आ गया है या फिर कोई और इशू हो रहा है, हेल्थ रिलेटेड, एज रिलेटेड क्या इशू है, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। और बस इतना ही पता चल रहा है दैट ही हैज बीन टेकन फॉर अ सर्जरी। लेकिन जो भी डिटेल्स आती हैं, जैसी भी डिटेल्स आती हैं, जब भी अमिताभ बच्चन कुछ भी पोस्ट करते हैं वो मैं आप तक सबसे पहले लेकर आऊंगी। हालांकि उन्होंने कल एक पिक्चर पोस्ट की है वेर ही हैज लाइक यू नो टेकन हैंड्स इन अ नमस्ते पोज, ऐसा लग रहा है जैसे वो सभी को ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं उनके लिए, प्रे करने के लिए। लेकिन अभी भी कुछ डिटेल्स सामने नहीं आ पा रही हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जब भी कोई डिटेल्स आएंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी और खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे इसी चैनल के थ्रू, तो बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ।